नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में और जानेंगे कि आप किस प्रकार यह फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है इस फॉर्म का नोटिफिकेशन पेज। फॉर्म भरने से पहले हम जान लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए, यहाँ नेम ऑफ पोस्ट लिखी है और यहाँ लिखा है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर वैकेंट है। जैसे मान लीजिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ सफाई वाला के लिए, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 44 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 21 वैकेंसी है, एससी के लिए 7 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 21 वैकेंसी है। तो आपको इस तरीके से चेक करनी है वैकेंसी, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आप अप्लाई करते हो कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पर आपने 10th क्लास कंप्लीट की होनी चाहिए और साथ ही आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपको फॉर्म का अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं फॉर्म की तरफ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। आपको इस वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां क्लिक करके डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहां पर आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी गई हैं, तो यहां पर सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और इसके बाद आपको आपका नेम भरना है, आपका मिडल नेम सरनेम अगर है तो आप यहां पर भर दीजिए, और यहां पर आपको फादर नेम भरना है, और उसके बाद यहां पर आपको मदर नेम भरना है, फिर आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ, 8 मंथ ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद यहां पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद नेशनलिटी यहां पर आपको सिलेक्ट करना है इंडियन। इसके बाद रिलीजन कि आपका रिलीजन क्या है आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अनमैरिड हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, विडो हो, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपसे पूछा गया कि क्या आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा समुदाय से संबंधित हो, तो यहाँ पर आपको ये सेनों पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 1980 से 1989 के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर निवास किया, तो यहाँ पर आपको ये सेनों पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगों या 2002 के गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चे या फिर आश्रित हैं, तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा वाले विभागीय उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना है, मैं नो पे कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको उस काम में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना है, या फिर आपके पास व्यापार में कम से कम 1 वर्ष के अनुभव के साथ एक मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त है। तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप यहाँ पर यस और नो पे सिलेक्ट कर लोगे। इसके बाद है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, तो आप यहाँ पर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज आईडी कार्ड लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड लगाऊंगा। इसके बाद है आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर भर देना है। आप जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे दोगे आपको यहाँ पर उसका नंबर भरना होगा। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है, आपकी बॉडी पे कोई तिल है, कोई चोट का निशान है या फिर कोई कट मार्क है तो यहाँ पर आप उसके बारे में टाइप कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर भरना है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। तो हमने यहाँ पर कांस्टेबल सफाई वाला के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर आपको इस ट्रेड की क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी होगी। तो इस फॉर्म के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि फॉर्म 10th पास पे है तो यहाँ पर आपको 10th क्लास की डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले आपका बोर्ड नेम, और उसके बाद ईयर ऑफ एग्जाम, इसके बाद यहाँ पर आपको 10th क्लास का रोल नंबर टाइप करना होगा, और इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर भरना है, आपको आपकी मार्कशीट के ऊपर लिखा मिल जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ इशू की आपकी मार्कशीट कब इशू हुई थी। इसके बाद सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। अगर साइंस आपने मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है तो यहाँ पर आप साइंस एज मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स की आपने 10th क्लास के अंदर कितनी परसेंटेज प्राप्त की। डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस भरना होगा। सबसे पहले परमानेंट एड्रेस, तो आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक नंबर, आपको अपना एड्रेस भर देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है आपको उसका नाम भर देना है। इसके बाद तहसील, पुलिस स्टेशन, ये दोनों ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, यहाँ पे रेड मार्क नहीं है तो आप नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद स्टेट, तो आपको यहाँ पर आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है अपना। और उसके बाद पिन कोड, आपको यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड टाइप कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस पे क्लिक कीजिए, आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा, आपको भरना नहीं पड़ेगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो नो पे क्लिक कीजिए और अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मेरा सेम है तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ
क्रिमिनल केसेस, तो यहाँ आपसे क्रिमिनल केस के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ आप सब पे नो कर दीजिए। और उसके बाद है क्रिएट पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर आप कोई 6 डिजिट यूज कर लीजिए जो भी आपको याद रहे। इसके बाद है कन्फर्म पासवर्ड, आपने जो पासवर्ड यहाँ बनाया आपको यहाँ पर फिर से टाइप कर देना है। और इसके बाद है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको दोनों पे टिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन पेज शो होगा, आपको आपकी सभी डिटेल्स चेक कर लेनी है कि कुछ गलती तो नहीं है। अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो यहाँ पर आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके अपनी गलती ठीक कर लीजिए। और आपको लगता है कि आपने कुछ गलती नहीं की है, यहाँ पर आप डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट के ऊपर दोनों पे टिक कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड टाइप कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको फिर से ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पूछा गया कि क्या आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है, आपको आपके मोबाइल फोन पर मैसेज भी आ गया होगा रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग। तो अब यहाँ पर आपको आपकी फोटो और साइन अपलोड करने हैं। ध्यान रहे तो फोटो आपकी 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फोटो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और फोटो रहेगी जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट के अंदर, और फोटो का साइज रहेगा लेस देन 500 KB, यानी कि फोटो आपकी 500 KB से कम होनी चाहिए। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर के अंदर आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर होना चाहिए, और सिग्नेचर आप काले या नीले पेन से कर सकते हो, और फाइल टाइप रहेगा जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट, और साइज रहेगा लेस देन 200 KB, यानी कि आपके सिग्नेचर का साइज 200 KB से कम होना चाहिए। चलिए अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपलोड करेंगे अपनी फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने फोल्डर में जाके आपकी फोटो चूज कर लेनी है। फोटो चूज करने के बाद आपको यहाँ पर अब अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट शो होगी। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपकी आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गई है। और इसके बाद आपको ऑप्शन देखिएगा प्रोसीड फॉर मेक पेमेंट का, यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी से हो या फिर आप फीमेल हो तो यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट करने के लिए आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने पेमेंट के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट। आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो होगा। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपकी फॉर्म की एक्नॉलेजमेंट यानी कि प्रिंट आउट शो हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर पर्पज में आपके काम आएगा, क्योंकि जब इसका एडमिट कार्ड आएगा तो आप इसी के जरिए आपका एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि आप किस प्रकार एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।